गुड डे दोस्तों, वेलकम टू कोनूर वीडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं कि इस तरह का वीडियो आप आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आज बात करने वाला हूं जेनेटिक स्टॉक क्रॉस ब्रीडिंग इन स्मॉल कोनूर्स, उनका कलर म्यूटेशन एंड क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट्स के बारे में। इस तरह का वीडियो उन दोस्तों के लिए नहीं है जो लोग पैरट से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर को सच में सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हम लोगों का कुछ टर्म जानना है, जैसे कि वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप एक तरह का जीन होता है जिसको सिर्फ नेचर से ही मिल सकता है। हम लोग क्रॉस ब्रीड करके जिस जीन को पैदा नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ग्रीन चिक कनोर, येलो साइड कनोर, पाइन एप्पल कनोर, ब्लू ग्रीन चिक, अमेरिकन डाइल्यूट, ये सब वाइल्ड टाइप जीन है। ये सिर्फ हमको नेचर से ही मिलेगा, हम लोग इसको क्रॉस ब्रीड करके तैयार नहीं कर सकते। और कुछ टर्म्स है जैसे कि डोमिनेंट, ये तो इसका जो डेफिनेशन बहुत बड़ा है, मैं स्मॉल में समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग जीन, ये डोमिनेंट जीन मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीन होता है। एक क्रॉस ब्रीड के टाइम ये टर्म यूज होता है, डोमिनेंट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीन। और जो हम विजुअल कलर देखते हैं जो प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, उनमें जो हम विजुअली उसका जो कलर देखते हैं वो डोमिनेंट जीन के वजह से होता है। और रिसेसिव जीन, जितना भी स्प्लिट बोला जाता है, मान लो कि ग्रीन फिशर स्प्लिट एल्बिनो, तो डोमिनेंट हो गया ग्रीन फिशर एंड रिसेसिव हो गया एल्बिनो, क्योंकि एल्बिनो एक वीक जीन है और ये हमेशा स्पीड हिसाब से रहता है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और रिसेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो स्प्लिट रहता है। और स्प्लिट इसी तरह से स्प्लिट एक टर्म है जो कि विजुअली डोमिनेंट को शो करता है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका स्प्लिट शो होता है। और क्रॉस ब्रीड मतलब कोई भी एक प्रजाति के अंदर जो सब स्पीसीज होता है उनका न्यू सब स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ डिजाइन क्रॉस ब्रीड करा जाता है। उन लोगों का डिफरेंट सब स्पीसीज के अंदर क्रॉस ब्रीड करा के नया म्यूटेशंस को पैदा किया जाता है, इस टेक्निक को क्रॉस ब्रीड बोला जाता है। तो डेफिनेशन का इस पेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद चलिए ओरिजिनल वीडियो में चलते हैं। ये देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पर वाइल्ड टाइप ग्रीन चिक कनूर्स के साथ ब्रीड किया गया है, दो ग्रीन चिक कनूर के अंदर। और इनका जो 100% प्रोडक्ट है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वो भी ग्रीन चिक कनूर्स आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दो बर्ड्स ही ये बिल्कुल वाइल्ड टाइप है और इसका जो जीन है वो भी प्योर जीन है। मतलब कोई भी अगर दूसरे टाइप का ऑफस्प्रिंग ना आए तो हम बोल सकते हैं ये बर्ड बिल्कुल प्योर जीन का है और ये तो ग्रीन चिक एक वाइल्ड टाइप जीन ही है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ये सब 100% ग्रीन चिक्स है और ये पेरेंट्स के साथ मैच हो रहा है। तो ये जीन हम लोगों को पता चल गया कि ये जीन बिल्कुल वाइल्ड टाइप प्योर जीन है। तो चलिए अब क्रॉस ब्रीडिंग का जर्नी को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्रॉस ब्रीड किया गया है एक येलो साइड मेल के साथ एक ग्रीन चिक का फीमेल और ये दोनों ही प्योर जीन का है। मतलब इन लोगों का पेरेंट्स बहुत जेनरेशन से येलो साइड और ग्रीन चिक ही है और उनका जो क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट आएगा वो जितना भी फीमेल होगा वो सभी येलो साइडेड होगा और जितना भी मेल होगा वो ग्रीन चिक होगा। मतलब आप अगर एक येलो साइड मेल के साथ एक ग्रीन चिक का फीमेल का क्रॉस ब्रीड करेंगे तो जितना भी येलो साइड बच्चा आएगा वो सारा ही फीमेल बच्चा आएगा और जितना भी ग्रीन चिक बच्चा आएगा उस सभी मेल बच्चा आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको कोई डीएनए करने की जरूरत नहीं है, ये 100% कॉन्फर्म रिजल्ट्स है जो कि इंटरनेशनली पब्लिश भी हुआ है और मैं इन सब का टेस्ट ब्रीड भी ले चुका हूँ। तो
तो मैं जितना भी आज रिजल्ट दिखाऊंगा वो 100% ही करेक्ट है। और यहाँ पर जो रिजल्ट दिख रहा है ये हमेशा याद रखिएगा, जो पेरेंट्स बार्ड होगा उनको प्योर जीन का होना होगा। इस प्योर जीन के बार्ड के लिए आप कोई अच्छा मतलब जो रेपुटेड ब्रीडर है उनके पास से ये प्योर जीन का बार्ड मिल सकता है। प्योर जीन का बार्ड मिलना बहुत आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्रॉस ब्रीड है पाइन एपल से येलो साइड कनूर के बीच। इसमें पाइन एपल कनूर है मेल और जो येलो साइडेड कनूर है ये है फीमेल। ये भी प्योर जीन का है ये दोनों पेरेंट्स। और इनका जो क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट आ रहा है, जो जितना भी पाइन एपल बच्चा आएगा वो सारा ही फीमेल आएगा, और जितना भी येलो साइडेड बच्चा आएगा वो सभी मेल आएगा। मेरा घर में ऐसा एक पेयर है, मेरे घर में रैम्बो ऐसा ही मैंने पेयर दिया था, और उसका भी मैंने देखा हूँ जितना भी पाइन एपल बच्चा आता है वो सारा ही फीमेल आता है, और जितना भी येलो साइडेड बच्चा आता है वो सारा ही मेल आता है। ठीक है, और इसका अगर ये जो पेरेंट्स को आप अगर इंटरचेंज करेंगे तो इनका प्रोडक्ट्स भी इंटरचेंज होगा। मतलब आप सिर्फ मेल पाइन एपल को भी निकल सकते हैं ऐसे क्रॉस ब्रीड देके। उसमें पेरेंट्स का आपको मेल को लेना है येलो साइडेड और फीमेल को लेना है पाइन एपल। तो जितना भी आपका पाइन एपल बच्चा आएगा वो सारा ही मेल आएगा, और जितना भी येलो साइडेड बच्चा आएगा वो सारा ही फीमेल आएगा। ठीक है, इस क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट का वो बिल्कुल ही अपोजिट आएंगे। आप अगर पेरेंट्स को चेंज करेंगे तो क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट ही बिल्कुल भी अपोजिट आएगा। ठीक है, आप इस क्रॉस ब्रीड को देखिए, या येलो टाइप ग्रीन चिक के साथ एक टॉर्क्यूज येलो साइडेड को क्रॉस ब्रीड किया गया है, और यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो सारा ही ग्रीन चिक आएगा, वो टॉर्क्विज का स्प्लिट होगा। तो आप लोग इसे इस तरह का ब्रीड मत करना, कोई भी ग्रीन चिक के साथ आप कभी भी ब्लू येलो साइड का क्रॉस ब्रीड मत कराना, क्योंकि जो भी बच्चा आएगा वो सारा ही आपका ग्रीन चिक बच्चा आएगा। वो स्प्लिट होगा टॉर्क्विज का, मगर फर्स्ट जनरेशन में आपको सिर्फ ही ग्रीन चिक बच्चा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, एक पाइन एपल मेल के साथ एक टॉर्क्यूज का फीमेल को क्रॉस ब्रीड किया गया है, और इसका प्रोडक्ट भी देखिए जी। इसका प्रोडक्ट आएगा आपका ग्रीन चिक कन्यूस आएगा, जो कि सारा ही सारा मेल आएगा, और जितना भी फीमेल आएगा वो सारा ही सारा आपका पाइन एपल आएगा। जो जो दोनों ही स्प्लिट होगा टॉर्क्यूज का, जो ग्रीन चिक आएगा वो स्प्लिट होगा टॉर्क्विज एंड पाइन एपल का, और जितना भी पाइन एपल आएगा वो स्प्लिट होगा टॉर्क्विज का। तो इस तरह का पेयर आप अगर लगाएंगे तो बच्चा आएगा ग्रीन चिक्स एंड पाइन एपल बच्चा आएगा। बहुत लोगों का कोशिश होता है कि कुछ नया जनरेशन को पैदा करे बाई क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्रॉस ब्रीड दिखाया गया है जहां पर न्यू जनरेशन पैदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक ब्लू टर्कुइज येलो साइडेड मेल के साथ एक अमेरिकन डाइल्यूट का फीमेल को क्रॉस ब्रीड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में जितना भी बच्चा आएगा वो सारा ही आपका ग्रीन चिक्स होगा, जो कि स्प्लिट होगा अमेरिकन डाइल्यूट एंड ब्लू येलो साइडेड का। इसके बाद आपको सेकेंड जेनरेशन के लिए वेट करना है। इसके बाद ये जो ग्रीन चिक्स है, ग्रीन चिक्स मेल एंड ग्रीन चिक्स फीमेल, इसको आपका सेम पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग को लेना है। मतलब इसमें जो बच्चा आएगा इसका ही मेल और फीमेल के साथ आपको क्रॉस ब्रीड कराना है। उसमें से आप लोगों को नया नया आपको ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा। इन दोनों के साथ आप जब जब क्रॉस ब्रीड कराएंगे तो आपका बच्चा आएगा ग्रीन चिक्स आएगा, ब्लू येलो साइडेड आएगा, अमेरिकन डाइल्यूट आएगा, उसके साथ साथ मींस आएगा ऑफ बोथ जेंडर्स, मींस बर्ड आएगा। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये
ये है मिंट वेरिएशंस ऑफ द ग्रीन चिकन्यूज। इस तरह का आपको 5 टाइप्स का बच्चा मिल सकता है और आप कुछ नया जेनरेशन भी पैदा कर लेंगे। ये सबसे आसान क्रॉस ब्रीडिंग है, मतलब दो जेनरेशन में आपको क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट एक दूसरे तरह का ग्रीन चिक्स कनूर्स का म्यूटेशन मिल रहा है। ये दो जेनरेशन मतलब लगभग आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा, आप एक दूसरे टाइप का म्यूटेशन भी जेनरेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट टाइम के लिए जब सांची कनोर को पैदा किया गया था वो कैसे पैदा किया गया था। सांची को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 तरह के कनोर चाहिए, जो भी हो, जो जो भी होगा वाइल्ड टाइप का एंड प्योर जीन का। वो 3 तरह का कनूर है आपको। पाइन एपल कनूर लेना होगा, ब्लू कनूर मतलब ब्लू ग्रीन चिक लेना होगा, और लेना होगा अमेरिकन डाइल्यूट। ये बिल्कुल वाइल्ड टाइप प्योर जीन का 3 तरह के बर्ड चाहिए। और यहाँ पर आपको 4 जेनरेशन लेको खेलना पड़ेगा, मतलब 4 जेनरेशन तक आपको क्रॉस ब्रीड करना पड़ेगा, तभी आप एक सांचिक बर्ड्स को पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम है। आप लोगों के अगर क्रॉस ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इसका भी क्रॉस ब्रीड कैसे किया गया था फर्स्ट टाइम, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। इसको करने में आपको लगभग 6 to 8 ईयर्स लग जाएगा। इस 3 बर्ड से आपको अगर सांचिक जनरेट करना है तो 6 to 8 ईयर्स आपको लग जाएगा, मतलब 4 जेनरेशन तक आपको जाना पड़ेगा सेम बर्ड्स का बच्चे को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, मतलब मैं भी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसको क्रॉस ब्रीड में इंटरेस्ट है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग का जो फील्ड है, मैं कॉनर्स के बात बात कर रहा हूँ, कॉनर्स का क्रॉस ब्रीड में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। कोई कोई मतलब दोस्त अगर मेरे साथ कोलाबोरेट करना चाहेगा, मेरे जैसा सोच रखता है कोई बंदा, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल्स के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट भी है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोलाबोरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कुछ नया जेनरेशन को हम ट्राई कर सकते हैं कुछ नया जेनरेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये जो स्टडी होगा ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब 6 to 8 जेनरेशन तक कभी कभी जाना पड़ेगा, तो 12 14 14 साल लग जाएगा। तो हमारा जो ब्रीडिंग फार्म है, हम साइड बाय साइड ऐसे क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसका इस मतलब बार्ड ब्रीडिंग फील्ड में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है वही सिर्फ कर सकता है ऐसा। मतलब इंटरेस्ट तो बहुत सारे लोगों के है, मतलब सच में कौन कर पाएगा यही बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये है दोस्तों लेटेस्ट म्यूटेशन ऑफ द ग्रीन चिक कनूर्स। इसको रेड डोमिनेंट ग्रीन चिक कनूर्स बोला गया है। जिन्होंने इसको बनाया है उनका दिया हुआ नाम है। और इसका जो ब्रीडिंग फॉर्मूला अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सिर्फ ये बोला गया है ये रेड डोमिनेंट ग्रीन सांचिक कनूर्स एंड अमेरिकन डाइल्यूट। अच्छा, रेड रेड कलर का अमेरिकन डाइल्यूट के बीच में क्रॉस ब्रीड करा के बनाया गया है। और एक कितने जेनरेशन तक हम काम को क्रॉस ब्रीड करना है वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू म्यूटेशंस है और अभी इसका रेट बहुत ही हाई है, 6 से 7 लाख रुपए पर पीस के हिसाब से इस बार को अभी बेचा जा रहा है। इसका रेफरेंस मैं नीचे दे दिया हूँ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है, नीचे उनका उनका पिक्चर है। इसका नाम है स्टीव गार्विन। इसका एक फार्म है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, जिसका नाम है द फेदर ट्री। यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा स्पीसीज का पैरट्स के ऊपर क्रॉस ब्रीड किया जाता है। और ये इंसान मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के बाद बाद ये अपना क्रॉस ब्रीड जो फॉर्मूला है वो उसको डिस्क्लोज करता रहता है। और मुझे इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है, तो मैं ये सब इनको फॉलो करता हूँ। और इनके जैसे और भी कई बहुत ही सारे लोग हैं, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ।
इस क्रॉस ब्रीडिंग के फॉर्मूला के लिए। और दोस्तों आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो क्रॉस ब्रीड किया जाता है बाजिस के ऊपर, उसके बाद लव बर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीड होता है। बड़े बर्ड्स में क्रॉस ब्रीडिंग मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक केस है, तो बहुत टाइम लगता है। मतलब छोटे बर्ड में ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, इसीलिए क्रॉस ब्रीड छोटे बर्ड में सबसे ज्यादा करी जाती है। तो दोस्तों आप लोगों के पास अगर किसी भी बर्ड्स में इंटरेस्ट है, तो आप लोग इस तरह के बहुत ही सारे एपिकल्चरिस्ट है सारे वर्ल्ड में, उन लोगों को आप ढूंढ सकते हैं। और वो लोग सब लोग बुरा नहीं होता, बहुत ही अच्छे अच्छे एपिकल्चरिस्ट होता है जो नया नया म्यूटेशन बनाते भी है, और उनका जो क्रॉस ब्रीड फॉर्मूला है भी वो भी शेयर करते हैं। तो इस तरह के आपका इस तरह का वीडियो है, मतलब पिक्चर्स और उनका जो रिसर्च है वो उनको आप देख सकते हैं, कैसे वो लोग बना रहा है, नया नया क्या म्यूटेशन आ रहा है। आपको बार बार में अगर इंटरेस्ट है तो आप ये सब देख सकते हैं। और मैं पहले भी बोला हूँ, कोई भी दोस्त का अगर क्रॉस ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है, स्पेशली कानून का क्रॉस ब्रीडिंग में, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव स्टडी है, बहुत टाइम कंज्यूम है। तो मेरा भी कुछ कोलाबोरेशन चाहिए, तभी मतलब सब लोग मिल के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग का फील्ड अभी बहुत आगे जा चुका है। मतलब कुछ कुछ स्पीसीज जैसे कि अमेरिकन डाइल्यूट और अच्छा म्यूटेशंस का सांचिक्स, इस तरह के बाढ़ मतलब लगेगा, जो मेरे अकेले से इन लोगों को मैनेज करना, और ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो मेरे अकेले से मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कोई अगर कोलाबोरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। और आप दुनिया भर के अच्छे अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट को फॉलो कीजिए, तो आपको मतलब बर्ड आर्ट का जो शौक है वो भी पूरा होगा, और आप नया नया थिंग्स को भी समझ पाएंगे, क्योंकि नॉलेज मैं तो सोचता हूँ ये सबके लिए होना चाहिए। कुछ कुछ मतलब ब्रीडर्स है जो अपने आप को बहुत ही बड़ा ब्रीडर समझता है, और ये सब नॉलेज को लेके स्टोर करके रखता है अपने अपने पास, और मतलब उन लोगों का इसके बहुत घमंड भी होता है, मतलब हमको ये पता है वो पता है। मतलब ये बात मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बड़ा डरता है। और जितना आप नया नया थिंग्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे और लोगों को शेयर करते जाएंगे, तब उतना मतलब इस फील्ड को बूस्ट मिलेगा। और देखिए ये जो एपिकल्चरिस्ट है वो कहाँ लॉस एंजेलिस में बैठा है कैलिफोर्निया का, और मैं कोलकाता में बैठ के इसका मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही मतलब बड़ी बात है। अब ये कितना पॉपुलर हो गया है अभी सारा वर्ल्ड में, ये भी एक सोचने वाली बात है। सिर्फ पैसा ही सब सब कुछ नहीं होता, क्योंकि नाम भी बहुत ही एक मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा चीज होता है। मतलब एग्रीकल्चर में इस सब रिसर्च के साथ पैसा जुड़ा होता है, इसीलिए बहुत सारे जो एग्रीकल्चरिस्ट है जो नया नया म्यूटेशन बनाता है, वो ज़्यादातर ये इंस्टेंट शेयर नहीं करना चाहता कैसे वो इस प्रोडक्ट को बनाया है, क्योंकि पहले तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा लिया जाएगा, फिर जब बहुत लोगों के पास ये हो जाएगा तब इसका क्रॉस ब्रीड फार्मूला को पब्लिक करता है। देखिए दोस्तों, मैं तो इन लोगों को कोई दोष भी नहीं देता, मतलब ये लोग तो शेयर भी करता है, और कुछ कुछ लोग तो सारा लाइफ ही उस बाढ़ को लेके एंजॉय करता है और कोई भी नॉलेज शेयर नहीं करता। इस तरह का लोगों को मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग कमेंट में बताता ना कि इस टाइप का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के रिसर्च के बारे में आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अमेरिकन डाइल्यूट और ब्लू क्विनोनट्स के बीच कौन सा जीन स्ट्रांग है, इसके लिए क्रॉस ब्रीड मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। आप लोगों को किसी के पास अगर अमेरिकन डाइल्यूट हो, आप लोग ब्लू ग्रीन चिक और ब्लू येलो साइड के साथ उसका क्रॉस ब्रीड करा के देखना, कोई अच्छा प्रोडक्ट निकल भी सकता है। मतलब मैंने अभी तक कोई भी रिसर्च पेपर में ऐसा कुछ नहीं देखा है कि अमेरिकन डाइल्यूट के साथ कोई ब्लू सीरीज का कोई कॉर्नर्स का प्रोडक्ट क्रॉस ब्रीड कराया हो, और मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट है। तो मुझे अगर इस तरह का क्रॉस ब्रीड का कोई भी प्रोडक्ट आए मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इस तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मुझे बता देना, मुझसे जितना हो पाएगा मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरह का वीडियो के लिए ज़रूर मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर मतलब लाइक कर देना। मैंने तो इस तरह का वीडियो 3-4 साल से बहुत ढूंढा हूँ, मगर फिर मैंने रिसर्च किया और इस तरह का बहुत सारे म्यूटेशंस कैसे पैदा किया गया, मैंने वो सब सर्च करके मैंने डायरी में सब लिख के रखता हूँ, और वही इससे ही मैं एक वीडियो बना दिया। मुझे भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगा तो मैं इस वीडियो को देख लूँगा, मेरे मतलब उस याद आ जाएगा क्या क्या नया नया रिसर्च चल रहा है, और मैं तो अपडेट होता भी रहूँगा इस तरह का रिसर्च से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बोलना, आप लोग ज़्यादा कमेंट नहीं करते, तो इस वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। और ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए है, ये कोई भी मतलब जो बिजनेस के लिए बाट पालते हैं उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ बात को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, थैंक यू।